टुडे वी विल बी रिवाइजिंग रोमन न्यूमरल्स। तो हम रोमन न्यूमरल्स की रिवीजन करेंगे। रोमन न्यूमरल्स एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम जो भी नंबर्स होते हैं उनको सर्टन सिंबल से जो है हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई सिंबल जो है वो 1 के लिए है, 5 के लिए वी, 10 के लिए एक्स, 50 के लिए एल, 100 के लिए सी, 500 के लिए डी और 1000 के लिए एम। कुछ सर्टेन रूल्स हैं जो हमारे रोमन नंबर्स के होते हैं कि अगर कोई भी सिंबल वो मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो उसकी वैल्यू जो है हम वो ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई 1 के लिए होता है और आई और आई अगर हम 2 टाइम्स लिखते हैं तो यानी 1+1=2। सेम एक्स एंड एक्स, एक्स 10 के लिए होता है एंड 10+10 gives 20। जैसे आई 1 के लिए होता है, एक्स 10 के लिए होता है, अगर हम यही एक्स को 3 टाइम्स लिख दें, एक्स एक्स एक्स, इट मींस 10+10+10 gives 30। सेकेंड रूल है, इफ अ सिंबल ऑफ अ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ अ ग्रेटर वैल्यू देन द वैल्यू इज एडेड। कोई भी सिंबल, फॉर एग्जांपल अगर हम इनमें सिंबल लेते हैं एक्स, तो एक्स किसके लिए है, 10, और उसके एक्स के आगे अगर हम वी लिख देते हैं इट मींस 5, तो वो हो जाएगा 10+5 एंड दैट विल बी 15। एक और अगर एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारा है एल एक्स वी, एल आता है 50 के लिए, एक्स आता है 10 के लिए, वी 5 के लिए, तो तीनों को प्लस करेंगे तो 65। तो ये जो रोमन नंबर है एल एक्स वी, ये जो है इसका मीन्स कि ये जो है 65 है। ये जो एक्स होते हैं ये मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट होते हैं। कुछ सिंबल्स होते हैं वो रिपीट नहीं होते और वो है वी, एल एंड डी, यानी V यानी 5 के लिए, L जो है 50 और D जो है हमारा 500, तो ये कभी भी रिपीट नहीं होते। नेक्स्ट है, इफ अ सिंबल ऑफ अ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ द ग्रेटर वैल्यू। पहले हमने राइट में लिखा था तो हम ऐड कर रहे थे और अगर हम उसी को लेफ्ट में लिखेंगे तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले हमने V एंड I लिखा था तो 5+1 6 था, अगर अब हम यही आई और वी लिखेंगे तो 5-1 gives you 4। सिंबल्स वी, एल और डी आर नेवर रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ एनी ग्रेटर वैल्यू एंड आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। तो यानी 5 और ये कहते हैं जो हमारा 50 और 500, ये कभी भी सब्ट्रैक्शन लेफ्ट में कभी भी नहीं लिखे जाते, यानी इसको कभी भी हम सब्ट्रैक्शन में नहीं लेते। If x is written to the left of l or c, it is subtracted. अगर x जो 10 होता है उसको l और c के left में लिखें तो वो means subtraction होती है. It means xl equals 50 minus 10 equals 40. तो ये है हमारे Roman numerals. अब आपको जो है revision डालकर Roman numerals लिखकर 1 to 50 तक सारे Roman numerals लिखकर भेजने हैं आपको. Thank you.